तो मैं हूं आपका अपना कोच जे, आपका अपना पर्सनल ट्रेनर। पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत शुभकामनाएं, और मेरी यही कामना है कि आप लोग जो है हेल्दी और वेल्दी रहें और रियलिस्टिक गोल बनाएं जो कि यू नो लॉन्ग टर्म तक चले, ना कि यू नो विद इन 15-20 डेज में आप उन गोल्स को भूल जाएं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपसे यू नो अपॉलोजी करना चाहता हूं कि मैं 10-15 दिन से वीडियोस नहीं बना पाया, कुछ अदर प्रोजेक्ट्स में मैं बिजी था, बट यूट्यूब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका रीजन यही था कि मैंने यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया था इसी वजह से कि भाई मैं अपनी नॉलेज को शेयर करूं और आप लोग जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है आपका मसल मास पे आपके अल्कोहल का क्या असर पड़ता है। इसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ना कि यूट्यूब में बहुत ही यू नो अगर है भी तो बहुत ही आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। कोई बता रहा है कि यू नो आप लवली लवली आप 1-2 पैक लगा सकते हैं हफ्ते के अंदर, बट ये बिल्कुल ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में, एग्जैक्टली अल्कोहल और मसल मास का रिलेशन क्या है, कि आपके जो है मसल गेन कैसे इम्पैक्ट करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि जनरली मेंबर्स हमारे इस बारे में क्या बात करते हैं, पर्सनल ट्रेनर इस बात से एग्री करेंगे। मेंबर्स हमारे जो ये बोलते हैं, यार मैंने तो अपना वर्कआउट कर लिया, अपना न्यूट्रिशन ले लिया, प्रोटीन भी ले लिया है, तो उसका फर्क यू नो मेरे मुझे जो है मेरा कैटाबॉलिक स्टेटमेंट नहीं जाएगा मसल मास। बट ऐसा रिसर्च पे देखा गया है कि आप चाहे आप प्रोटीन ले लें या नहीं लें, उसका इम्पैक्ट तो आपके नेगेटिव मसल यू नो मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे पड़ने ही वाला है। अगर हम रिसर्च को नहीं भी देखें तो अपने मेंबर्स को देख लें, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का जो है मसल मास इंप्रूव होता ही नहीं है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती नहीं है, जिसकी वजह से वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैसे ही एक ही रिजल्ट स्टेट में रहते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिम को छोड़ देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किन किन सिस्टम्स पे के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं और उसका यू नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर। पर्सनल ट्रेनर भी इससे एग्री करेंगे जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बताने जा रहा हूं। पहले तो बात कर लेते हैं एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। होता क्या कि ओवर अ पीरियड टाइम जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो एक तो आपकी जो है ग्लूकोज सिंथेसिस, कहने का मतलब है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, वो कम हो जाती है। तभी हमने देखा हमारे मेंबर सैटरडे संडे की पार्टी करके आते तो उनकी एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। और दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बीपी और जो है आपका हार्ट रेट एलिवेटेड रहता है। तो ये तो दो चीजें हो गई। तीसरा कि मेंबर्स कई बार ये प्री वर्कआउट भी ले लेते हैं, सैटरडे संडे की पार्टी से भी आए होते हैं, ग्लूकोज भी नहीं होता है, तो जब ये पूरा मिक्सचर बन जाता है और ट्रेनिंग की इंटेंसिटी भी हाई हो जाती है तो जो है उनसे वर्कआउट हो ही नहीं पाता है। वो सोचते हैं कि यार मेरा वर्कआउट हो नहीं पा रहा है, मैंने प्री वर्कआउट भी लिया है और ट्रेनर भी अच्छा है, पर उनको ये समझना चाहिए कि उनका जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं हुआ, स्टोरेज नहीं है, इसकी वजह से उनका वर्कआउट हो नहीं पाया। अब हम बात कर लेते हैं डिहाइड्रेशन की। हम सब जानते हैं कि बहुत ही दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भाई बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी है अल्कोहल की वैसोडायलेशन, तो हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करता है, जैसे प्री वर्कआउट वाली प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चालू कर देंगे अल्कोहल को लेना, बट मैंने मेंबर्स को देखा है, कई मेंबर्स को देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, आई हैव सीन मेंबर्स हु आर एक्चुअली कंज्यूमिंग अल्कोहल बिफोर दे वर्कआउट, दैट दे सेज दैट यू नो दे हैव अ वेरी यू नो फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे से दैट यू नो वी फील वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, मगर इसके नुकसान हमने डिस्कस किए, हार्ट और बीपी भी बहुत बढ़ते हैं। तो ये वैसे डाइजेशन का काम करता है। सॉरी, इसके अलावा ये एक डायरेटिक है। तो जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको यूरिन बहुत पास होता है और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वैसोडायलेशन है। तो जब आप इस स्टेट में वर्कआउट करते हैं तो होता क्या है उसमें, कि हम सब जानते हैं कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। जब वाटर नहीं है तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगी। इसके अलावा होता क्या है कि हमने देखा है, अगेन मैं बोलूंगा पर्सनल ट्रेनर एग्री करेंगे इस बारे में, कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो सिंपल जो फंक्शनल मूवमेंट्स हैं या बेसिक पुशिंग एंड पुलिंग मूवमेंट्स हैं उसमें उनको क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, पानी का वो ध्यान रखते नहीं, उनको आइडिया ही नहीं होता। हम जितना मर्जी बोले ट्रेनर्स की आप सर पानी का ध्यान रखिए, आप अल्कोहल लेते हैं, मगर उनको ध्यान रहता नहीं है, तो इसकी वजह से उनके क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। पहले इन दोनों हार्मोन को समझ लेते हैं, हमारी बॉडी रिलीज करती है और ये एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं, इसकी वजह से ही हमारा जो है मसल मास बनता है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये दोनों ही मेटाबॉलिज्म कार्ब्स प्रोटीन फैट को रेगुलेट करते हैं और मेटाबोलाइज करते हैं। और अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो वो एक अर्ली मॉर्निंग अर्ली स्लीप में निकलता है, और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो लेट यू नो एकदम डीप स्लीप, उसको रेम रेस्टोरेटिव स्लीप बोलते हैं, जो कि लेटली निकलती है।
तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जब और जब आप अल्कोहल ले लेते हैं तो आपकी स्लीप तो डिस्टर्ब होती ही है, जब स्लीप आपकी डिस्टर्ब होती है तो आप कॉर्टिसोल ओवर अ पीरियड टाइम रिलीज करते जाते हैं, जब आपकी यू नो आपको नींद ही आपकी जो स्लीप साइकिल है बहुत ही डिस्टर्ब रही और आपका कॉर्टिसोल लेवल भी यू नो बहुत ही ऊपर रहा, तो उस एंगल में आप जो है ना ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रिलीज हो पाएगा ना कि और ना ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो पाएगा, इसकी वजह से ना आपके एमपीएस नोडिल मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो पाएगी, तो जिसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आप जो है गेन कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम रिसर्च को ना भी देखें तो हम अपने मेंबर्स को अगेन रिपीट कर रहा हूँ देख लें तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, स्लिम एंड ट्रेन कोई फर्क पड़ता नहीं है और वो ओवर द पीरियड ऑफ जो है एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। अब हम इसमें फीमेल परस्पेक्टिव में बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव है हमारी फीमेल्स, हमने देखा है कि आजकल ड्रिंक्स बहुत करने लगी, बहुत कॉमन हो गया है। जैसे मैंने बताया जो है टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन एजी है जो हमारा उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब फीमेल परस्पेक्टिव में क्या होता है कि एक तो उनका बॉडी फैट परसेंटेज जो ज्यादा होता है और उनका जो है मसल मास कम होता है, और जब वो ड्रिंक करती है हमें पता है कि जैसे मैंने बताया कि तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है और ऊपर से उनका मसल मास भी नहीं है इतना होता, हाई बॉडी फैट परसेंटेज भी जो है हाई होता है, जब सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं तो उनका ऑब्वियसली जो है इतना मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं जाता है, हो नहीं पाता है, तो उसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं आता। एक इन्फॉर्मेशन मैं इसमें बताना चाहूंगा, मेल हो या फीमेल हो दोनों का ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है, डिफरेंस हो सकता है, बट रिसर्च में भी ये देखा गया है कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस दोनों में होता है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो फीमेल्स को ध्यान रखना है कि अल्कोहल को छोड़े, अपना मसल मास बढ़ाए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, मसल मास भी आपका जो है बॉडी फैट परसेंटेज कम बनता है जितना मसल मास इम्प्रूव हो जाए। तो ये तो रही बात हमारी अल्कोहल की और मसल मास की, बस इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं टिप देने वाला हूँ कि आप इतने अल्कोहल पीजिए तो आपको जो है कम इम्पैक्ट पड़ेगा, अल्कोहल का इम्पैक्ट जो है टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन पे पड़ने वाला ही है, नो मैटर व्हाट आप जितनी मर्जी प्रिकॉशन करें। मैंने ये भी देखा है मेंबर्स बोलते चलो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो अब हम 3-4 महीने के लिए छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है उस वक्त में आपको रिजल्ट मिलते हैं, मगर अब जैसे ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में अपने रूटीन में आते हैं तो चीजें वापस वैसे की वैसी होने लग जाती हैं। तो मेरा सजेशन यही है, रिकमेंडेशन यही है कि आप अल्कोहल को बिल्कुल बंद करें, क्योंकि इसके बहुत ही इम्पैक्ट आपके एनर्जी पे है, आप डिहाइड्रेशन होती है, आपका यू नो एंडोक्राइन सिस्टम भी आपका इम्पैक्ट करता है, और दूसरा इम्यूनिटी भी आपकी वीक हो जाती है, और हमने देखा होगा जिन जो अल्कोहल ओवर द पीरियड टाइम लेते रहते हैं वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन गिर जाते हैं, उनको बीमारी लग जाती है कोई ना कोई, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। और आज की प्रो टिप की बात कर लेते हैं, फैट में बहुत ही कैलोरीज होती हैं, सॉरी अल्कोहल में बहुत ही कैलोरीज होती हैं, मेंबर्स को लगता है कि अल्कोहल में कैलोरीज नहीं होती, 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल इज 9 कैलोरीज, तो प्लीज मेक श्योर अपनी यू नो कैलोरीज को थोड़ा इंटैक्ट रखें और स्टे हेल्दी रहें। तो ये रही थी इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम है कोच जे, आपका अपना पर्सनल ट्रेनर, थैंक यू।